YouTube पर मैंने ये सोचकर वीडियो डालना स्टार्ट किया कि मैं YouTube से महीने का $100, $200, $300, $500, $1000 कमाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा। मैं जब अपने वीडियो को अपलोड करता हूं तो मैं अपने वीडियो के कमेंट को जरूर पढ़ता हूं। आप भी अपने वीडियो के कमेंट को पढ़ते होंगे। मैं टेक्निकल प्रभाकर अपने वीडियो के कमेंट को जब भी देखता हूं तो उस कमेंट में मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो मिलता है या क्वेश्चन मिलता है तो वो होता है रीयूज्ड कंटेंट। अब ये रीयूज्ड कंटेंट इतना मोस्ट पॉपुलर क्यों है और इसे कैसे हटाया जा सकता है और क्या अपलोड करें जिससे कि एक बार में हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक साल से, आप बोलेंगे दो साल से, कोई इसमें से बोलेगा तीन साल से, उन्हीं में से कोई ये भी बोल सकता है चार साल से काम कर रहा हूं। और काम करते करते अचानक से एक दिन मेरे पास मेल आया और लिखकर आया, ड्यू टू रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी आपके चैनल से मोनेटाइजेशन बंद कर देते हैं। पैर के नीचे से ऐसा लगा जमीन खिसक गई हो, क्योंकि महीने का मैं $100 $200 तो कमा ही लेता था, अपने जेब का खर्चा कमाता था, अपने जेब के खर्चे निकालता था, प्लस अपने परिवार का भी खर्चा निकालने की कोशिश करता था। लेकिन अब आ गया है रीयूज्ड कंटेंट, मैं किस तरीके से अपने चैनल को मोनेटाइज करूं, YouTube ने ऐसा क्या देख लिया मेरे चैनल पर जिसकी वजह से रीयूज्ड कंटेंट आ गया। मैं आपको कुछ पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करना, समझकर अपने चैनल पर काम करना और आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना। नंबर एक, आपने अपने चैनल पर जाना है सबसे पुरानी वीडियो, जो सबसे पुरानी वीडियो, जो पहली वीडियो आपने अपलोड की थी, क्या वो वीडियो कॉपी पेस्ट किया हुआ था, या फिर उस वीडियो में आपकी आवाज़ नहीं है, आपका फेस नहीं है, या फिर उस वीडियो में आपका सिर्फ एडिटिंग है ना कि आपकी अपनी कोई वैल्यू। अगर ऐसा है आपका सबसे पुराना वाला वीडियो तो उस वीडियो को डिलीट या प्राइवेट कर देना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे टाइप के वीडियो रीयूज्ड में आते हैं, आपकी यूट्यूब पर एडिटिंग काम नहीं आएगी। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो आप अपनी आवाज के साथ में एडिट करिए। अगर बिना आवाज के आप यूट्यूब पर वीडियो डालोगे, डेफिनेटली रीयूज्ड कंटेंट आएगा आएगा आएगा। पॉइंट नंबर दो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहते हैं कि मैं YouTube पर चार साल से तीन साल से मेहनत कर रहा था और मोनेटाइज था मेरा चैनल, मैं हर महीने $100-$200 अर्न कर रहा था। तो क्या मेरे चार साल पुरानी वाली वीडियो पर रीयूज्ड आ सकता है, या फिर अभी नई वीडियो जो दो चार डाली उस पर रीयूज्ड आया है? मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट जब आता है जब आपकी कोई वीडियो वायरल होती है, जब किसी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आते हैं। जैसे ही आपके किसी भी एक वीडियो पर ज्यादा व्यूज आया, आपके डॉलर में पैसे बढ़े, और जैसे ही डॉलर इंक्रीज होना शुरू हुआ वैसे ही रीयूज्ड आया। रीयूज्ड यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, रीयूज्ड एडसेंस की पॉलिसी है। ये मैं क्लियर कर दूं, रीयूज्ड एडसेंस की पॉलिसी है। तो अगर आपके रेवेन्यू में एक्स्ट्रा रेवेन्यू होना स्टार्ट होता है, एडसेंस बढ़ना स्टार्ट होता है, आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर तीन, जब भी आप कोई ऐसी वीडियो डालें जिस पर कि आपको लग रहा हो कि वो दूसरे की वीडियो है और आपके चैनल पर वो अपलोड कर दी गई है, तो आप एक काम करना, उस वीडियो पर आप ऐड ही मत ऑन करना, ऑन ऐड नहीं करना, राइट? अगर आप ऐड ऑन नहीं करेंगे तो आपका रीयूज्ड कंटेंट कुछ नहीं करेगा। पॉइंट नंबर चार, आपने बाय मिस्टेक कोई दूसरे की वीडियो डाल दी, आपका चैनल मोनेटाइज था और आपकी उस वीडियो से अर्निंग भी हो गई है, $50 के टाइम अभी आप पहुंच गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वो वीडियो 20,000 30,000 40,000 या 1,00,000 व्यूज के पार हो गई है और रीयूज्ड अभी नहीं आया है, तो आप उस वीडियो से ऐड बंद कर दीजिए और उस वीडियो को प्राइवेट कर दीजिए, नहीं तो रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा। अब आपको मैं बताता हूं पॉइंट नंबर पांच। ये पांचवा पॉइंट आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट ऑलरेडी आ चुका है। अब इसे हटाएंगे कैसे, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। जैसा कि आपने अभी मेरा कमेंट बॉक्स देखा, इस कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिला कोई 1,00,000 सब्सक्राइबर वाला, कोई 8,00,000 सब्सक्राइबर वाला, कोई 3,00,000 सब्सक्राइबर वाला, कोई 1,50,000, 2,00,000, 5,000, 10,000, 1,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल मैसेज कर रहे हैं। मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरे चैनल पर ये प्रॉब्लम आ गई है। मैसेज क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम यूट्यूब पर चैनल को मोनेटाइज कराते हैं, खास तौर पर रीयूज्ड कंटेंट वाले चैनल को। हमने अभी तक 500 से ज्यादा चैनल मोनेटाइज कराए हैं।
आपको क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, क्या डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लगा हुआ है। अगर नहीं लगा है तो मेरी वीडियोस के नीचे से डिस्क्लेमर लेना और वो डिस्क्लेमर अपनी वीडियो में डाल देना। याद रहे, डिस्क्लेमर आपको उसी टाइप का लिखना है जो आप वीडियो अपलोड करते हैं। मेरा एजुकेशनल पर्पज है तो मैं एजुकेशनल करता हूं, आपका पर्पज कुछ और होगा तो पर्पज आप चेंज कर लेना। जैसे गेमिंग पर्पज, ब्लॉगिंग पर्पज, एंटरटेनमेंट पर्पज, ये पर्पज आपका हो सकता है तो आप उसे चेंज कर लेना, राइट। अब बात कर लेते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आपको आगे ये करना है, अपने सभी वीडियो के टाइटल से हैशटैग को हटा देना है। हैशटैग को हटाने के बाद आपको यह ध्यान में रखना है सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्यादा कीवर्ड ना हो। यह मैं क्यों कह रहा हूं इसका रीजन भी बता रहा हूं, ये रीयूज्ड से लिंक नहीं है, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाए, खास तौर पर रीयूज्ड के लिए जाए, जब रीयूज्ड अपील कर रहे हो या फिर रीअप्लाई कर रहे हो, तो यूट्यूब को ज्यादा परेशानी ना हो आपकी वीडियो को देखने में। अगर यूट्यूब को आप ज्यादा तकलीफ नहीं दोगे तो वो थोड़ा बहुत आपके लिए रियायत भर देगा और आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा, राइट। अब आपको आगे और बता रहा हूं क्या करना है। आपने ये काम कर लिया कि आपने फाइंड आउट कर लिया अपने चैनल पर क्या क्या, जो जो मैंने अभी बताया। आगे अब मैं बताता हूं आपको, आपके चैनल पर जो रीयूज्ड कंटेंट वाली वीडियो, वो ये भी हो सकती है कि किसी का फोटो हो और किसी का म्यूजिक ऑडियो हो, ये दोनों मिक्स करके आपने अपलोड किया हो। अगर आपने ये काम किया है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी है आप कर रहे हैं, तो मोनेटाइज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये जो बातें अभी मैंने बताई है, जितने भी पॉइंट बताए हैं, 1 से 6 पॉइंट तक जितना भी बताया, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत वैल्यूबल हैं। एक एक पॉइंट आपके चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए बहुत आगे लेकर जाएंगे, राइट। आपका पैसा बर्बाद नहीं होने देगा। यूट्यूब पर अगर आपके चैनल पर पहली बार रीयूज्ड आता है तो आपको एक अपील करने का हो सकता है ऑप्शन भी मिला हो। अपील करते टाइम हिंदी, इंग्लिश, बंगाली 3 लैंग्वेज में वीडियो बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, एंड 5 मिनट से छोटी वीडियो बनाकर अनलिस्टेड करके अपलोड करना। अपील के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे करना है, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए ध्यान रहे, डिस्क्लेमर में पहले ही बता रहा हूं, बिना वीडियो कॉल किए हुए पेमेंट नहीं करना है। अगर आप बिना वीडियो कॉल पेमेंट करोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। वीडियो कॉल करोगे, मैं जब तक ना दिखूं तब तक आपको पेमेंट नहीं करना है, राइट। उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, बात होगी और आपके चैनल को मोनेटाइज कराया जाएगा। आपको ये भी बता दूं, मैं किसी के भी वीडियो में कमेंट में जाकर ये नहीं कहता कि 3 मिनट में या 3 घंटे में या 3 दिन में आपके चैनल को मोनेटाइज करा देंगे, आप हमें पेमेंट करो, व्हाट्सएप नंबर दो, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जिम्मेदारी होगी, राइट। ये ध्यान रखना, कभी भी आप मेरे नाम पर कोई, जब तक मैं ना दिख जाऊं तब तक आप किसी पर विश्वास ना करें। आपको सामने इंस्टाग्राम की हमारी आईडी दिख रही है, इस आईडी पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और यहां से पूछ भी सकते हैं मेंबरशिप कैसे लेते हैं। मैसेज में लिख देना आई वांट टू पेड मेंबरशिप और आपको मेंबरशिप दे दी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, रीयूज्ड कंटेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूट्यूब पर ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि अब बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब पर पैसा कमाने चाह रहे हैं, जबकि कॉपी पेस्ट करके यूनिकनेस जब तक आपके वीडियो में नहीं होगा तब तक नहीं कमाया जा सकता। बहुत लोग टीवी सीरियल डायरेक्ट उठाकर अपलोड कर देते हैं। मैं उनको अवेयर करना चाहता हूं कि आपके चैनल पर आगे चलकर दिक्कत आएगी। दिक्कत यह आएगी कि आपकी वीडियो में प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्राइक आ सकता है, कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है और आपका चैनल डिलीट या सस्पेंड हो सकता है। तो आप बच के रहिए, अपना काम करिए, एंड आप YouTube पर और हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं अगर, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यूबल नॉलेज, कंटेंट से रिलेटेड, खासतौर पर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। मैं मिलूंगा कल आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आपका चैनल मोनेटाइज हो। थैंक यू वेरी मच।